हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी, जिसमें हम आज देखेंगे जो आपका पेपर टू है उसमें जो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। और फर्स्ट पेपर का करा चुके हैं हम, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जूलॉजी फर्स्ट ईयर का पार्ट टू, पेपर टू के, ठीक है। इसमें आपकी टोटल है, देखिए 5 यूनिट्स हैं। तो इसमें एक एक यूनिट करके आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी यूनिट में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अभी कम टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपका इम्पोर्टेंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल विथ स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लीजिएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, मॉडल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स भी आप देख लीजिए क्या। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्या आपके माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ठीक है। और अब देखिए यूनिट सेकेंड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं सेल साइकिल, म्यूसिस एंड माइटोसिस, कंप्लीट आइडिया विद डायग्राम, इसका ये पढ़ लेना। और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, पॉलीथीन एंड लैम्ब्रेस क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिनमें स्टार लगे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड यूनिट है उसमें आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस, लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटरमाइनेशन, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल ऑब्जर्वेशन एंड जीन म्यूटेशन भी पढ़ लेना है इसमें। और अब देखते हैं यूनिट फोर्थ। देखिए जो यूनिट फोर्थ में आपका है इसमें आपको पढ़ना है सिस्टमैटिक्स, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, लीनियर हेयरचे स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए जो आपका लास्ट यूनिट है वो है यूनिट फिफ्थ। देखिए यूनिट फिफ्थ में आपका लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ मैन तो पक्का ही पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे जूलॉजी सेकेंड पेपर के जो जो इम्पोर्टेंट थे बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट जूनियर्स, अच्छे से देना पेपर्स अपने, ऑल द बेस्ट।